झेलम नैना डूबा सारा जैना डूबने के इशारे एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल. आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक लेसन करेंगे. अ ब्यूटीफुल सॉन्ग अगेन फ्रॉम कोक स्टूडियो जिसका नाम है झेलम नैना. द सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय जीत गंगुली और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से गाया गया है बाय आवर बिलवेड फ्रॉम द 90s बाबुल सुप्रियो. सो बहुत ही अच्छा सा एक गाना है एंड माय पर्सनल फेवरेट. बहुत ही दिनों से मैं सुन रहा हूँ इस गाने को. सो आई डिसाइडेड कि इसका एक छोटा सा एक लेसन तुम लोगों को दिया जाए ताकि तुम लोग भी इसको प्ले कर सको. ठीक है एंड जस्ट एंजॉय द लेसन. ठीक है सो बेसिकली इस गाने में जो भी कॉर्ड्स यूज हुए हैं मैं पहले वो तुम लोगों को बता देता हूँ. द कॉर्ड्स व्हिच आर यूज्ड आर डी मेजर, जी मेजर, सी मेजर एंड उसके सिवा और एक कॉर्ड इस गाने में लगता है दैट इज एफ माइनर. ठीक है सो दिस इज आवर एफ माइनर कॉर्ड. सो डी जी सी एंड एफ माइनर कॉर्ड. ठीक है इस गाने का जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है. ठीक है सो कॉर्ड प्रोग्रेशन जो 90% ऑफ द सॉन्ग में चलता है दैट इज जी, उसके बाद सी, उसके बाद जी, सॉरी डी, उसके बाद सी, उसके बाद जी. ठीक है सो दिस इज द प्रोग्रेशन. और मतलब एक जगह पे आपको एफ माइनर मिलेगा. ठीक है सो कॉर्ड प्रोग्रेशन हो गया. ये जो गाना है इस गाने में आप टू काइंड्स ऑफ स्ट्रमिंग पैटर्न यूज कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज दैट ठीक है डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप. सो द सेकंड वन इज दैट डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप पॉज. ठीक है स्लोली देखिए डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप पॉज डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप पॉज. एक होता है डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप. ठीक है एंड सेकंड वन इज दैट डाउन अप 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 पॉज. ठीक है इंट्रो के बारे में देखते हैं कि इंट्रो में मतलब कैसे वो प्ले होता है. सो इफ यू वांट टू प्ले द इंट्रो ऑफ दिस सॉन्ग तो आपको कैसे मतलब वो बजाना है. इट्स क्वाइट इजी. सिंपली आप अपने जो डी मतलब डी जो कॉर्ड है डी कॉर्ड का आप जो मिडिल फिंगर है उसको आप लिफ्ट कीजिए एंड देन यू प्ले 4-3-1-2-1. ठीक है देन अगेन यू गो टू द सी पार्ट. ठीक है सी कॉर्ड को आप नॉर्मली पकड़िए एंड देन अगेन यू प्ले द सेम पैटर्न 4-3-1-2-1. ठीक है एंड देन अगेन यू गो टू द जी पार्ट. ठीक है जी पे आप जाओगे जी पे आप जब आप जाओगे तो यू जस्ट पुट ऑफ योर
this last finger from the first string. उसको आप उठा लीजिए and then you play the 6-5-6-5-1-2-1 ठीक है and then again you back to the D string और यहाँ पे आपको क्या हो पकड़ना है तो pattern will be a little different ऐसे बजेगा मतलब you don't have to go to the other string again मतलब 4-3-1-2 यहाँ पे आपको complete करना है ठीक है so together if we play this it will be sounding like this again ठीक है so let's get to the lesson so जो starting वाला जो part है वहां पे आपको simply आपको broken chords देना है मतलब broken chords नहीं you just have to stroke it once ठीक है so it will be like this Naina, Naina, from D to C. उसके बाद G. Jhelum Naina. So what is the progression? D से C, C से G, G से फिर से D. ठीक है? उसके बाद फिर से Duba, Duba, Sara. So like this, आपको पहले मतलब begin करना है, simply one stroke और two stroke at a time, ठीक है? So like this, and उसके बाद जो rhythm वाला जो part है, वहाँ पे आपको ऐसे बजाना है। According to the first pattern of strumming, down, up, up, down, up, up, down, down, up, down, up, up, down, up, up, down, down, up. ठीक है? Na 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 यहाँ पे क्या करना है आपको? From C to G, G पे दो बार आप stay करोगे, उसके बाद back to the D, ठीक है? Na 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 ठीक है so this is the first part उसके बाद Na 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 So what I was doing from D to G उसके बाद जी से मैं हल्का एक कॉर्ड ले रहा हूँ यहाँ पे एफ माइनर ठीक है सो स्लोली मैं आपको दिखाता हूँ फ्रॉम डी टू जी ठीक है उसके बाद जी पे आप होल्ड करोगे ठीक है एफ माइनर एक हल्का सा माइनर कॉर्ड यहाँ पे लगता है उसके बाद तो सिर्फ जो अगला जो पैटर्न है वो तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैटर्न होगा ठीक है So this was all about the first antara. कि first antara में कहाँ पे आपको F minor लगाना है वो आप अच्छी तरीके से जो video है video को देख के
ट्राई कीजिएगा बजाने को, ठीक है? सो इट विल बी साउंडिंग परफेक्ट, ओके? एंड देन कमिंग टू द सेकंड पार्ट में जो है आपका जो सेकंड जो स्ट्रमिंग मैंने पहले बताया था वो आप यूज कर सकते हो लाइक दिस. ठीक है, सो कहाँ पे यूज करोगे? ठीक है, सो आई मीन यहाँ पे आप दो स्ट्रमिंग और यूज कर सकते हो. मुझे अच्छा लगा कि सेकंड जो बटन, थर्ड जो बटन है वो मैंने बजाया है, इफ यू हैव नोटिस्ड. सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वो बजेगा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सेकंड अंतरा, ये मैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड अंतरा के बारे में बता रहा हूँ. ठीक है, सो सेकंड अंतरा में आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हो जो स्ट्रमिंग बटन मैंने पहले बताया था. So what I was doing, down up, sorry, down up, down up, ठीक है, down up, 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 उसके बाद एक pause, ठीक है, so again देखिए, na 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 na. उसके बाद यहाँ से ड्रम जो है, ड्रम इस गाने को पूरा होल्ड करके फुल रिदम पे ले जाता है. तो वहां पे आप तो ऐसे करने से अच्छा नहीं लगेगा ना. सो यू ट्राई टू चेंज और मॉडिफाई द स्ट्रमिंग पैटर्न. तो वहां पे आप ऐसे कर सकते हो. कन्वेंशनल स्ट्रमिंग पैटर्न है, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन. ठीक है, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप. ठीक है, सो ये सिर्फ एक मॉडिफाइड वर्जन है जो पहले जो मतलब आप यूज करोगे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप पॉज. ठीक है, जो सेकंड अंतरा में जो पहले जो स्ट्रमिंग पैटर्न आप यूज करोगे उसके बाद जहां से फुल्ली ड्रम चलता है, ड्रम्स का जो पैटर्न है जहां से फुल रिदम में चलता है, वहां से आप सेकंड जो मतलब थर्ड जो पैटर्न है स्ट्रमिंग का वो आप यूज कर सकते हो. डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन. ठीक है, सो दैट यू कैन यूज. सो बार बार अगर दो तीन बार अगर आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखोगे सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था. इनिशियली मैंने आपको बताया था कि आप टू काइंड ऑफ स्ट्रमिंग पैटर्न्स यूज कर सकते हो, लेकिन अभी मैं मतलब मुझे बजा के अच्छा लगा सो आई थॉट कि ये एक थर्ड पैटर्न भी हो सकता है इन योर स्ट्रमिंग, जो सिंपली आपको जहां से ड्रम चलता है सेकंड अंतरा में वहां से आपको इसको लेना है और हाई नोट में जब गाना जाता है तो यू कैन एक्चुअली रिलेट टू द रिदम. जो आप गिटार बजाओगे तो आपको रिदम के साथ अच्छा लगेगा देखने में. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट झेलम नैना. कॉर्ड्स चार कॉर्ड्स है. ठीक है, स्ट्रमिंग पैटर्न तीन स्ट्रमिंग पैटर्न है, उसमें दो मैंने पहले बताया था और एक मैं अभी आपको बताया हूँ. सो यू कैन यूज ऑल द थ्री स्ट्रमिंग पैटर्न्स. और इंट्रो में कैसे बजेगा जो ये वाला जो पार्ट है कैसे बजेगा वो भी मैंने आपको दिखा दिया है. सो आई थिंक दैट एक बहुत ही अच्छा सा एक लेसन आप लोगों को मिला है. सो काइंडली इफ यू हैव रियली लाइक दिस लेसन सो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स. और फ्यूचर में तो मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे लेसन आपके लिए लेकर आऊँगा. सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस वन एंड अच्छी तरीके से प्ले कीजिए. गुड नाइट.